কালিদাস মুখার্জি বরণ করে নিলেন। এরপর জমি কেনা যাবে না, অর্থাৎ কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করেছে ঠিক নয়, কারণ আরো 11টা জমি অধিকার দেওয়া হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরে राज्य में क्यों एनआरसी चालू नहीं करते? वो चालू करना कहाँ चाहते? बंगाल में, दिल्ली में, कहाँ जहाँ उनकी पार्टी की सत्ता नहीं है। बात यह कि एनआरसी ये आसाम केंद्रित है, ये कब से शुरू हुआ? 1951 से। कब तक ये मानेगा कि यहाँ के नागरिक हो सकता? 1971 से। तो हमारी बंगाल में क्या ऐसा लागू करेगा 1971 के बाद जो होगा वो बाहर वाले होगा, विदेशी होगा, बाकी सब हमारे हिंदुस्तानी होगा? ये एनआरसी एक मुद्दा है, 1951 से चल रहे हैं, और आसाम में बीजेपी पार्टी की राज है, दिल्ली में बीजेपी पार्टी की राज है। एनआरसी की जो पंजी निकली, वो पंजीकरण जो हुई, वो पंजीकरण में क्या देखा हमें? 19 लाख लोगों को निकल दिया गया। 19 लाखों में 14 लाख हिंदू है, तो क्या कर रहे हैं? वो फिर अगर एनआरसी करके यहाँ से भी हिंदू लोगों को भगाएगा क्या? बीजेपी पार्टी अगर एनआरसी बनाने का इतना मंशा रहे, तो जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी की राज है, जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी की सरकार है जिस जिस राज्य में, वो क्यों वहाँ नहीं पालन करते, वहाँ क्यों नहीं चालू करते? ये मसला ये है कि यह वो हवा गर्म करना चाहते हैं, ये एक सियासत बनाना चाहते हैं, ये चुनावी एक मसला बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। দাদা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, উনি কালকে রাজস্থানের একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে বলেছেন ব্রাহ্মণরা সব থেকে উঁচু জাত এবং তারা সমাজের অন্যান্য যারা জাত থাকে তাদের দিক নির্দেশ করে, এবং স্পিকারের মতো একটা এরকম চেয়ারে বসে এরকম মন্তব্য। ভারতবর্ষে জাত একটা না, বহু জাত আছে, বহু ধর্ম আছে। স্পিকার বলে না, আমাদের কাউরিরই যারা আমরা সংবিধান মেনে চলবো বলে মনে করি, ভারতবর্ষের সংবিধানে কোনোদিনই কোথাও ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বৈশ্য শূদ্রের ফারাক করা যায় না, হিন্দু মুসলমান। যদি বলে থাকে ঠিক বলেনি, আগর কয়ে হোঙ্গে তো সহি নাই কা, লেকিন ক্যা কাহা উসকা তো মানে মুঝে কোই জানকারি নাই হ্যায়, ক্যোঁকি মানে দেখা নাই হ্যায় আব তক, আর উনকা কোই স্পষ্টীকরণ আগর স্পিকার দিয়া হ্যায় ইয়া নাই, ইয়ে ভি মুঝে জানকারি নাই হ্যায়। আগর এইসা কহে কি ব্রাহ্মণ সবসে বড়া জাত হোতে হ্যায় আর বাকি সব বেকার হোতে হ্যায়, তো ইয়ে সরাসর গলত হ্যায়। और एक बात दादा, कि यूनेस्को में राष्ट्रपुंज में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उसका जो विदेश मंत्री है, उसने कहा है कि हम कश्मीर को लेके एक आंतर्जातिक कमीशन बिठाने की मांग करूंगा, तो इसको क्या सपोर्ट करना जरूरी है? कश्मीर तो इंडिया का इशू है। क्यों नहीं, कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार कहे हैं, पर ये कश्मीर आज तक आंतरिक मुद्दा बनाया किसने? वो भी तो इंदिरा गांधी, 1972 में जो शिमला करार हुई थी, तो किसने किया था? पाकिस्तान की जो फौज है, वो फौजे को कितने हराया था बांग्लादेश की जंग में? 93,000 पाकिस्तानी फौज है हमारे हिंदुस्तान की फौज के सामने आत्मसमर्पण की थी, ये तो इतिहास है। उसके बाद पाकिस्तान ने सर झुकाया और ये शिमला करार में दस्तखत की है, तो उसी दिन से कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और उसी दिन से कश्मीर बायलैटरल है। जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और ये मसला को बायलैटरल उस दिन से माना जाता है, इसमें बाहर वाले किसी को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी से आज तक, राहुल गांधी तक यही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक मुद्दा, आंतरिक मुद्दा है। बेकार हवा देने का क्या जरूरत है? वो कहेगी कांग्रेस क्यों नहीं बोलता? अरे कांग्रेस ये बचाया देश को, कांग्रेस ये बचाया, कांग्रेस ये बचाएगा।
হাওড়া থেকে এক সময় কংগ্রেস সাংসদ ছিল সত্যি, এখন কে কংগ্রেসেরই সাংসদ ছিল প্রিয়রঞ্জন দাস, কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে হাওড়াতে কংগ্রেসের সংখ্যা যেটা আছে খুব কম হয়েছে। আজকে আপনি যখন মঞ্চে এসেছিলেন প্রচুর সম্বর্ধনা পেয়েছেন, সেটা নিয়ে কি বলবেন? এত উষ্ণতা, এত আন্তরিকতা, আমি তো অভিভূত। হাওড়ায় আমাদের সবই আছে, সংগঠনটা দুর্বল তো হয়েছে, আমরা তো দুর্বল হয়েছি, অস্বীকার তো করছি না, সারা বাংলাতে আমরা দুর্বল হয়েছি, যেটা আমাদের নেই তো কি করছি, নাহলে ঘুরছি কেন, চেষ্টা তো করছি।